जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुश आमदेद कहता हूँ। जी आज पीएमएस 2021 का रिजल्ट आया और जो जो पीएमएस के 2021 के पेपर थे 2022 में हुए थे और ये मोस्ट प्रोबेबली शायद जून जुलाई में पेपर्स हुए थे और उसका आज फाइनल रिजल्ट आया। और मेरे साथ हैं आसफा सलीम, आई हैव विद मी डॉक्टर आसफा सलीम, शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ अलामा अकबर मेडिकल कॉलेज। और आसफा की जो थर्ड पोजीशन आई है अभी आज जो है ना पीएमएस के अंदर, बहुत बहुत मुबारक हो आसफा आपको। और आसफा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनके थोड़ा जर्नी के बारे में, उन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट किया, उनके सब्जेक्ट्स क्या थे। तो आसफा बहुत बहुत मुबारक, पहले ये बताइए कैसा फील कर रही हैं आप, आपकी थर्ड पोजीशन आई पीएमएस 2021 के अंदर। जर्नी आपसे ही स्टार्ट हुई है और अल्टीमेटली ये डे आया है, इधर रिजल्ट पे आके खत्म हुई है। सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके तैयारी, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इस एकेडमी को मैंने घर बनाया हुआ लिटरली, यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की है। आप फैमिली की तरह है। अच्छा आज तो पहले मुझे ये बताइए कि आपके पीएमएस में सब्जेक्ट्स क्या थे। अच्छा ऑप्शंस में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और ज्योग्राफी। अच्छा अब मुझे याद है कि जब अब सीएसएस के पेपर हुए थे मई में और उसके बाद जून में पेपर हुए पीएमएस के, तो आपको क्योंकि पंजाबी और आपका पॉलिटिकल साइंस तो आपके ऑलरेडी थे सीएसएस के अंदर, लेकिन ज्योग्राफी आपका नहीं था। ज्योग्राफी को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा था, जीरो से स्क्रैच से तैयार किया आपने, आपको कितना टाइम लगा उसको तैयारी करने में। अच्छा इसमें ऐसा था कि मैंने अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से सीएसएस का एग्जाम्स नहीं दिए थे, तो मैंने पीएमएस के एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले अपनी हाउस जॉब कंटिन्यू कर दी। तो हाउस जॉब से लेके एग्जाम स्टार्ट होने तक मेरे पास कोई तकरीबन 10 दिन थे। उन 10 दिन के अंदर मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट सब्जेक्ट, पेपर ए पेपर बी दोनों तैयार किए। तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट यानी कि 10 दिनों में आपने तैयार कर लिया। अच्छा वैसे मैं आई एम ऑल्सो विटनेस टू दिस थिंग कि यू प्रिपेयर्ड विद मी, हमने कटे मिलकर प्रिपेयर किया था ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो था आपने 10 दिनों में ही तैयार किया। अच्छा अब मुझे थोड़ा आसपा ये बताइए कि आपका जो जर्नी था सीएसएस का जो है उसका आपने जो टाइम ड्यूरेशन है, जो आपसे बहुत ज्यादा लोग पूछेंगे कि आपका टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन था कितना जब आपको लगा कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। वैसे तो एक कैंडिडेट को कभी फीलिंग नहीं आती कि मेरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आपको कितना टाइम लगा कि आपको लगा कि मेरी तैयारी जो है ना हो गई है कम्प्लीट। अच्छा डे वन से लेके 6 मंथ्स थे जब मैं मतलब रेडी थी कि मैं अब सीएसएस के एग्जाम्स में अपीयर हो सकती हूँ, लेकिन चूंकि सीएसएस के एग्जाम्स डिले हो गए थे तो फिर वो वाले 6 मंथ्स में ऐड होके और वो अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से मैंने नहीं दिया। एक साल का ड्यूरेशन बन गया, लेकिन मैं हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि ड्यूरेशन जो प्रिपरेशन का होता है ऑलमोस्ट 4 to 6 months ही होता है जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है। तो अच्छा ये बताइए कि एक बात तो पता है इस बात पे कि हर कैंडिडेट का डिफरेंट वेरिएशन होती है स्टडी आवर्स की चीजों की, आपके स्टडी आवर्स पर डे कितने थे, ये स्टडी आवर्स थे या आप जो सिलेबस के मुताबिक चल रहे थे। स्टडी आवर्स पे फिक्स नहीं थे कि मैंने आज कितने दिन पढ़ना है, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी होती है कि आपके डे टू डे वेरिएशन आ रही होती है, कभी आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं तो 2 आवर्स पढ़ा जाते हैं, कभी बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील होते हैं तो आप 15 आवर्स भी पढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम ये था कि मेरी हमेशा से नींद इतनी रही है कि मैं 6 आवर्स मैक्सिमम अगर मुझे मिल जाए तो मैं फंक्शन कर सकती हूँ एज अ ह्यूमन बींग। अच्छा इसका एक क्वेश्चन, ये बड़ा बड़ी मिथ है कि जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको स्टोरी सुनने को मिलती है, मेरे इंटरव्यू में ऐसे हुआ, मेरे इंटरव्यू में मुझे उन्होंने कहा, मुझे ये ऑफर कर दी, मेरा इंटरव्यू ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आपके साथ कोई ऐसी अनयूजुअल हरकत हुई, मेरे साथ तो कभी नहीं हुई अपने इंटरव्यूज के अंदर, कि आपके साथ कोई ऐसी अनयूजुअल हरकत हुई थी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी ऐसी थी कि आपने चीजें प्रिपेयर कर ली है, अब उधर जाके आपकी पूरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्सेस बन गए। चलें आसफा बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको पोजीशन दी, थर्ड पोजीशन आई आपके पीएमएस के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था जी आज के लिए, हमारे से जुड़े रहिए, हम आते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।